देगा नया यूक्रेन। क्या भारत अब पाकिस्तान को बना देगा नया यूक्रेन? अमेरिका यूक्रेन को तो नहीं बचा पाया, फिर अब पाकिस्तान को भारत से कैसे बचाएगा? मोदी और पुतिन के बीच क्या बातचीत हुई? क्या रूस और भारत मिलकर एक साथ अपने विरोधियों से लड़ने जा रहे हैं? जिस तरह से मोदी के दोस्त पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया, क्या उसी तरह से अब भारत भी पाकिस्तान पर हमला करके पीओके को भारत में शामिल करने जा रहा है? मोदी कई बार पीओके का जिक्र कर चुके हैं और अब लगता है कि मोदी गरम लोहे पर चोट करने वाले हैं। पहली बार अमेरिका ने मोदी की ताकत को पहचाना है और माना है कि भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, इसीलिए हमें तैयार रहना होगा। अमेरिका ने पहले यूक्रेन को उकसाया और फिर रूस के सामने मरने के लिए छोड़ दिया। यूक्रेन तबाह हो रहा है लेकिन अमेरिका कोई मदद नहीं कर रहा है। अब अमेरिका पाकिस्तान के कंधे पर अपना हाथ रखने की कोशिश कर रहा है। पूरी दुनिया के लोग अमेरिका से ज्यादा भारत की तरफ देख रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति को भारत से उम्मीद है। पुतिन भी अमेरिका से नहीं बल्कि मोदी से बात कर रहे हैं और ऐसा भी कहा जा रहा है कि आगे की हर रणनीति को लेकर पुतिन मोदी से सलाह भी ले रहे हैं। मोदी का जितनी तेजी से खत दुनिया में बढ़ा है, उसके बाद अमेरिका भी अब भारत से लगता है डरने लगा है। अमेरिका को समझ नहीं आ रहा कि भारत के साथ दोस्ती करे या फिर दुश्मनी। अगर ऐसे ही हालात रहे तो मोदी और पुतिन अमेरिका को बहुत पीछे छोड़कर आगे निकल जाएंगे। इसीलिए अमेरिका अब पाकिस्तान को भारत से लड़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को भारत नया यूक्रेन बना सकता है। दरअसल अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने बाइडेन सरकार को बताया है कि भारत की मोदी सरकार पाकिस्तान के कथित उकसावे का अधिक सैन्य बल के साथ जवाब दे सकती है। इसके अलावा यूएस इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि भविष्य में ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अमेरिका को तैयार रहने की जरूरत है।